अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम जा रहे हैं जी राघव कोशी। उस्मान भाई की फरमाइश थी इस्लामाबाद से लेके अभी तक, उन्होंने बोला हुआ था जी कि हमें राघव कोशी जाना है। नहीं 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 नहीं, सब नहीं जाना है अभी, अभी ये पीछे बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम तकरीबन आधे घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। खुश हो यार, खुश हो, खुश हो यार, शुक्र है, खुश हुए हैं यार, खुश हो, एंजॉय की ये पता लगता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। बाकी आप स्पेशल खुश होना चाहिए, बाकी फरमाइश पूरी हो रही है, बाकी सब ठीक है, सारे ठीक है, सिर्फ एक उस्मान भाई जो खुश हुए ना, उसका दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। फरमाइश करते हैं ये हमारे, ये हमारे उस्मान भाई स्पेशल फोकस करेंगे, बाकी ये सोने के लिए आते हैं सफर में, फिर मंजिल पे पहुंच के। फाइनली हम पहुंच गए जी राघव कोशी व्यू पॉइंट। से जी डील हुई है 3,000 रुपये कह रहे हैं जी रूम का, पता नहीं अब रूम देखते हैं जाके किस तरह का रूम है, फिर अगली बात होगी इनके साथ और पैसा मोबाइल होगा। आगे भी दिखाओ ना, ये सारा दिखाओ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, चेरी चेरी, इधर आए इधर आए, बहुत असल वहाँ पे पार्ला जी रूम मिल गया जी, रूम मिल गया, पहुँच गए जी हम, पता नहीं अब लाइट भी आया कि कोई नहीं, इंटरनेट तो मिल गया। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी हम राघव कोशी के लिए जा रहे हैं, हाइकिंग करनी है, कितना टाइम लगेगा ऊपर? हाँ हाँ, ऊपर बेस कैंप तक जाने के, बेस कैंप नहीं ग्राउंड जाना है, नेचुरल स्टेडियम, स्टेडियम जी, उधर गाड़ी बनवा के जानी पड़ेगी ना, इधर से बनवा के जानी पड़ेगी जी। ना कर यार, हम हाइकिंग करेंगे, हाइकिंग करके जाने के लिए तकरीबन आपको 3-4 घंटे लगेंगे, इधर से पिसन तक जाओगे ना, पिसन से ऊपर आप लोगों के लिए 3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे लग जाएंगे जी, सही हो गया, यहाँ से हमें स्टेडियम तक 3-4 घंटे लगे जी। किस साइड पे? इस साइड पे, इस साइड पे, नहीं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जी जी जी, आगे ऊपर है, ठीक हुआ, राइट साइड पे जाओगे ना ऊपर, हां हां जी, हम साथ लेके जाएंगे वहां पे खेलने आओगे। अच्छा, हम करने लगे नाश्ता, नाश्ता करने के बाद फिर हमारा जो होगा आगे, हमें हाइकिंग करनी है, चलेंगे यार, उसकी बड़ी याद आ रही है यार, देखो किसी ने मार मूर के फेंक तो नहीं दिया घर पर। टाइम से गायब था, पता नहीं कहाँ पे गया हुआ था, उसको ढूंढ ढूंढ के हम थक गए हैं भाईजान, फिर चला गया दो अंडे और। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा इतने टाइम से ढूंढता रहा है, अभी मिला है इसको। बासित भाई समक दे रहा है, हाँ तो ला रखे थोड़ा सा, वही है वो गया वॉशरूम करने।
तब तक आएगा 84-85 अंडे हो जाएंगे हैं। दुनिया को सच जानना चाहिए ना, पांचवा बंदा किधर गया, ये देखें खाली चेयर। बेस कैंप हाइकिंग कर रहे हैं, सारे परेशान हुए हुए हैं जी, क्या करना है। तकरीबन 2 घंटे में लगेंगे बेस 2 से बेस 1 तक जाने के लिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्यों नकी साहब? इंशाल्लाह जी चलोगे? जब तक टांगे साथ में, जहाँ साथ में क्या जी चलेंगे लता पुलिस मुकाबले भाई, वो जहाँ से तक कब से बैठा, हम तो जा रहे हैं वीडियो देख। किसने कहा क्यों नहीं लेके जा रहे, क्यों नहीं लेके जा रहे हमें ऊपर? ये भैया ये आप गवा रहिएगा बासे जोन से, हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे नीचे जाए गाड़ी ठीक करवाओ, हम लोग ऊपर से होके आ रहे हैं। उस्मान ये भाई कह रहे हैं हमारी इधर ही बस है, हम नीचे गाड़ी ठीक करवाते हैं, आप ऊपर से हो आए। यात्री नगर नकी के पास आके वापस जा रहे हैं नीचे से 5 बंदे आए हैं, नकी और उसामा ने वहाँ हमें नीचे छोड़ दिया कि हम नहीं ऊपर जा रहे। ये शाह जी बैठे हुए हैं, शाह जी इधर देखें, कच्चा पक्का, ये अभी भी कच्चा पक्का कह रहे हैं और कह रहे हैं जी मुश्किल है जी मैं नहीं जा सकता। और रह गया मैं उस्मान, उस्मान भाई अब तो भाई ऊपर तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम निकलने लगे हैं जी, आखिरी साथ था ये शाह का, ये भी छोड़ के जा रहा है। ओए मैं कुछ हो गया ना तो बता देना, नहीं ना मोबाइल देंगे तो फिर फायदा क्या। ओके जी शाह जी अल्लाह हाफिज, उस्मान भाई बाय बाय करो यार शाजी को, ओके यार अल्लाह हाफिज़। पीछे से हम लोग पैदल आए हैं लेकिन पानी साथ लाना भूल गए थे, तो अभी ये मिला हमें साफ पानी चश्मे का, तो अब्दुल बासित अभी इधर से पी रहे हैं पानी। अभी हमने वो ऊपर जाना है राका पोची टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पास पहुँच चुके हैं, उस्मान भाई आगे आगे बिल्कुल हम पास पहुंच गए हैं, तकरीबन 1 घंटा और लगेगा हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। डाका पोशी पास आ गए हैं, मेरे ख्याल से मेरे और उस्मान के अलावा कोई तीसरा बंदा यहाँ पे नहीं है। उस्मान भाई सीज़न के पहले हम 2 लड़के हैं जो अभी तक हम इधर आए हैं, अभी तक लोकल्स में भी हमें कोई नज़र नहीं आया। एक बंदा हमें लोकल मतलब जहाँ के ये मुकामी लोग हैं उनमें भी से एक बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आया, हम 2 ही हैं एक दूसरे का सहारा। अभी ये कह रहा था ये सामने आबशार है, ये सामने तो ना लूँ मैं, मैंने बोला मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है वापसी तुझे उठा के मैं नीचे लेके जाऊँ। राकापोशी वाटरफॉल, अभी यहाँ से हमने ऊपर जाना है और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो राकापोशी का, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे एक और आबशार, एक और आबशार भी है वो भी दिखानी है आपको, तो वो इसके बिल्कुल साइड ही पे है, वो दिखाएंगे उसके साथ ही फिर राका पोशी है। मैं और उस्मान राका पोशी वाटरफॉल यहाँ पहुँच गए हैं, ये सामने वाला आपको ये पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसको हमने क्रॉस करना है, तो इसके बैक साइड पे ना राका पोशी है। उस्मान भाई भाई क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं, पहुँच गया वाटरफॉल, राका पोशी वाटरफॉल पर पहुँच गया, इस पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड पर राका पोशी है, अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि ऊपर बादल है ना इस वजह से। बस इंशाल्लाह हमने ये क्रॉस करना है, उसके बाद फिर आपको हम राका पोशी का जो असल व्यू है ना वो दिखाएंगे। काफ़ी ऊपर आए हैं लेकिन जितना ऊपर जा रहे हैं राका पोशी भी उतनी ऊपर जा रही है, पूरी होती जा रही है। क्यों उस्मान भाई क्या चक्कर? ट्रैक है यार,
अकेले रह गए मैं और उस्मान, उन्होंने कहा अकेले रह गए, कोई भी नहीं रहा हमारे साथ, तीन साल अकेले हैं, पीछे ही रह गए, उनकी बस हो गई है, उनकी पहले 15 मिनट के अंदर ही बस हो गई है। पोशी के लिए देख लें किस तरह के पहाड़ है, यहाँ से ऊपर आना पड़ता है, कोई ख्वाहिश ना ही करे आने की, हमारी ये रिक्वेस्ट है। सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वो सामने वाली जो पहाड़ है उसके बिल्कुल हम लेवल पे आ गए हैं, तो अभी भी ना हो, बड़ी अजीब बात की है कसम से। ट्रैक देखने कैसा है, कोई ख्वाहिश ना करें यहाँ पे आने के लिए। चांस नज़र नहीं आ रहे, इतनी हाइट पे आ गए हैं, कसम से तंग आ गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, सांस का प्रॉब्लम जो, और रास्ता इतना ख़तरनाक है, भूख लग गई है, बड़े मसाइल शुरू हो गए हैं। पता नहीं अब यही कहते आ रहे हैं जी, ये क्रॉस करेंगे सामने, ये क्रॉस करेंगे सामने, पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस हो गए हैं, अभी तक जनाब जी ने अपना कोई दीदार नहीं कराया मुर्शद जी ने। फाइनली काकापोशी पहुँचे, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं है, तो बादल है बिल्कुल ऊपर, उसको कवर किया हुआ है उन्होंने, और कुछ पहना भी नहीं है ख़ास, नीचे से गर्मी थी, इधर पहुँचे तो हालत ख़राब हो रही है, तो हमारा आखिरी स्टेज यही था। सामने आपको सारा नज़र आ रहा है काकापोशी का, इससे आगे की हिम्मत नहीं है। उस्मान भाई को सामने ज़रा लगाना, हाइट दिखाएं इनको, बिल्कुल हम लेवल पे हो गए हैं, ये सारी चोटियां बिल्कुल हमारे साथ लेवल पे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ये हमारा आखिरी पॉइंट था, इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, और खास कुछ इतना खास खा भी नहीं, और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, भूख इतनी शदीद लगी हुई है ना, ये दिल कर रहा है ये जो पौधे लगे हुए हैं ना ये कुछ खाना शुरू कर दूँ, तो पूरे रास्ते में एक बंदा भी नहीं मिला, कोई यहाँ का एक बंदा भी नहीं मिला, कोई जानवर भी नहीं मिला, तो अभी वापसी कर रहे हैं, अभी हम वापसी करेंगे, टाइम हो गया तकरीबन गालबन 4 का टाइम है, तो 7 बजे तक हम नीचे पहुंचेंगे, 3 घंटे हमें नीचे जाने तक लगेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।